दोस्तों, रीयूज कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट में क्या फ़र्क है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा यूट्यूब चैनल डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया कर सकती है। तो मेरी वीडियो को आपने गौर से देखना है, क्योंकि आज हम रीयूज कंटेंट के बारे में और रिपीटेड कंटेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर, जो नए यूट्यूबर हैं जिनके अभी सब्सक्राइबर्स कम है और उनको यूट्यूब का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कंटेंट का एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सा कंटेंट हमें अपलोड करना चाहिए, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए और वीडियोस की क्या कैटेगरीज होती हैं जो यूट्यूब की वायलेशंस के अंदर नहीं आती, या वो कौन सी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब की वायलेशन के अंदर आती हैं। तो देखें, दो टाइप का कंटेंट होता है जिससे यूट्यूब आपको मना करता है। एक कंटेंट होता है रीयूज कंटेंट, एक कंटेंट होता है आपके पास रिपीटेड कंटेंट। तो सबसे पहले तो रिपीटेड कंटेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या रिपीटेड कंटेंट होता है। देखें, आप एक टाइप की वीडियोस बनाते हैं बार बार, जैसे आपने अर्निंग की वीडियोस बनाई, आपने सेम थंबनेल रखा, सेम टाइटल रखा और आपने वीडियोस बना ली। तो क्या होगा कि यूट्यूब के अल्गोरिथम के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो उससे क्या होगा, यूट्यूब आपको एक वार्निंग मैसेज करेगा कि आप रिपीटेड कंटेंट बना रहे हैं, इसे ख़त्म करें। अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी। अब अगर मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाती है तो आपकी अर्निंग ख़त्म हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने रिपीटेड कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाना, यानी कि एक ही टाइप की वीडियोस नहीं बनानी। हाँ, आप 5-10 वीडियोस बनाएं, डिफरेंट बनाएं, फिर उसके बाद दोबारा आपने उसी टॉपिक पे आना है। आपने लगातार एक ही टॉपिक, सेम थंबनेल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टाइटल बिल्कुल आपने नहीं रखना। अगर आप सेम टाइटल और रखेंगे, रिपीटेड कंटेंट होगा तो यूट्यूब की वायलेशन होगी और आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी और आपका चैनल सारा ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है। दूसरे टॉपिक की तरफ हम आते हैं, जो इस वक्त सबसे अहम टॉपिक है, जिसे हम रीयूज्ड कंटेंट कहते हैं। अब रीयूज कंटेंट क्या होता है? जब से यूट्यूब शॉर्ट्स आई हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर कंफ्यूज हैं कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाएं, और अगर हम शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस बनाती हैं तो किस तरह का कंटेंट हो, या अगर हम दूसरा कंटेंट यूज़ करें, दूसरों की वीडियोस को यूज़ करें तो किस तरह का यूज़ करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने माइंड में बिठा लें जो आपका कॉन्टेंट ओरिजिनल कॉन्टेंट होगा, जो अपने मोबाइल से बनाते हैं, जो आप अपने DSLR कैमरा से बनाते हैं, वो रीयूज कॉन्टेंट नहीं होता, वो आपका अपना ज़ाती कॉन्टेंट होता है। उस पे आपने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना अगर आप YouTube के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। दूसरा, रीयूज कंटेंट क्या है? देखें, आपने किसी की वीडियो उठाई, सेम एज इट आपने अपनी उस चैनल के अंदर अपलोड कर ली, उसमें कोई आपने एडिटिंग नहीं की, और एडिटिंग भी करनी है किस तरह के, आपने अगर वॉइस ओवर अपने नहीं की और उसमें कोई तब्दीली नहीं की तो रीयूज कंटेंट है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने किसी का वीडियो क्लिप उठाना है तो वो मैक्सिमम 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का वीडियो कंटेंट होता है, उसमें आप सिर्फ इतना यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको फौरन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी या कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। दूसरा, सबसे अहम चीज़, आपने एक काम करना है, वो ये काम करना है कि आपने जो शॉर्ट वीडियोस की मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, आपने शॉर्ट वीडियोस किसी और की नहीं बनानी, यानी कि आपने स्नैक वीडियो, टिकटॉक से या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी वीडियो नहीं उठानी, फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से, जो वीडियो रील्स आजकल वायरल हो रही हैं, या शॉर्ट 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, किसी और की वीडियो नहीं उठानी। क्योंकि जैसे ही आप वीडियो उठा के यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करेंगे, इवन कि आप उसके स्टिकर्स लगा देते हैं, आप उसकी वॉइस चेंज कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद भी यूट्यूब के एल्गोरिथम में आ जाएगा और आपको फौरन स्ट्राइक आ जाएगी, आपका चैनल सारा डीमोनेटाइज हो जाएगा। छोटी सी गलती आपके पूरे साल के, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल की मेहनत ज़ाया कर देगी। तो आपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कोई भी शॉर्ट नहीं उठा के अपलोड करनी। अगर
आपने शॉर्ट अपलोड करनी है तो आप अपनी 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की बनाएं, मिनिमम 50 सेकंड तक आपने शॉर्ट बनानी है अपने कैमरा से, अपने DSLR कैमरा से बनाएं और उसको आप एडिट करें, अपलोड करें। उसमें जो भी आप तब्दीली करेंगे वो आपकी वैलिड शॉर्ट है, वो आपका रीयूज कंटेंट नहीं होता। इसी तरह आपने लॉन्ग वीडियो भी ऐसी ही बनानी है, किसी और की नहीं बनानी। किसी और का मटेरियल यूज़ मत करें। अगर आप किसी और का मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपके चैनल के ऊपर फौरन स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि मेरे सामने कई एग्जांपल्स हैं, कई यूट्यूबर्स के मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जिन्होंने ये छोटी सी गलती की, उनके एक एक लाख सब्सक्राइबर्स थे और एक एक लाख सब्सक्राइबर थे, उनके चैनल डीमोनेटाइज हो गए हैं। हालांकि वो एक लाख सब्सक्राइबर की जो है कंग्रेचुलेशंस या दूसरा सेलिब्रेशंस के उसमें रेडी थे, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती की, रीयूज कंटेंट इस्तेमाल किया या कुछ इस तरह की यूट्यूब वायलेशंस के ऊपर वीडियोस बनाई और उनका चैनल फौरन डीमोनेटाइज हो गया। तो जब आपकी मेहनत को YouTube ख़त्म करता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपने अपना जो कंटेंट है ओरिजिनल बनाया है। तो रीयूज कंटेंट मत बनाएं। आप जब अपने कैमरे से वीडियो बनाएंगे तो कभी भी रीयूज कंटेंट का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, या शॉर्ट वीडियोस भी अपने ही कैमरे से बनाएं तो कभी भी दूसरे सोशल मीडिया से कोई भी वीडियो नहीं उठानी। ये जो बड़े बड़े चैनल्स के अंदर प्रमोशन हो रही है, मैंने खुद एक चैनल ऐसा देखा स्पोर्ट्स वीडियोस के ऊपर था, उसके 36,000 सब्सक्राइबर थे, 36K। उसने क्या किया कि स्नैक वीडियो से, टिकटॉक से शॉर्ट वीडियोस 15 सेकंड की, 20 सेकंड की बनाई, उसके बाद उसने उसमें थोड़े से उसमें वॉइस बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज किया, उसका थोड़ा सा क्रॉप साइज उसने चेंज किया, उसके बाद स्टिकर्स लगाए और उसने वीडियो अपलोड कर ली। अब क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन यूट्यूब आपको क्या करता है, मोनेटाइज करता है, चेक करता है, आपको अचानक से स्ट्राइक नहीं भेजता, तो वो उस बंदे की वीडियोस वायरल हो गई, 15 मिलियन 16 मिलियन वीडियोस के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स हुए, और उसके बाद उसने मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई किया और उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि आप तो अभी कह रहे हैं कि ज़ुबैर भाई आप तो दूसरे स्नैक वीडियो इधर से वीडियोस मत उठाएं, तो वो तो उठा के उसका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। देखें, चैनल मोनेटाइज ज़रूर हुआ, लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब के अल्गोरिथम के अंदर आता है उसको फौरन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, और उसको कॉपीराइट स्ट्राइक आई होगी, 100% कन्फर्म बात है। मैंने इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक YouTube Shorts के ऊपर एक मैंने चैनल बनाया। चैनल बनाने के लिए उसके ऊपर मैंने तकरीबन 15 से 20 वीडियोस अपलोड की, शॉर्ट वीडियोस 10 से 15 सेकंड के। मैंने उसका साइज चेंज किया, मैंने उसका कलर चेंज किया, मैंने उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज किया, मैंने हर चीज़ चेंज की। चेंज करने के बाद जब मैंने उसको अपलोड किया, यकीन करें मुझे भी उसके ऊपर 2K, 3K, 4K, 5K तक व्यूज़ आ रहे थे और मेरे सब्सक्राइबर भी आ रहे थे। बट ठीक 8-10 दिन के बाद मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, क्योंकि वो कंटेंट रीयूज था, दूसरे का कंटेंट था, यूट्यूब को पता लग जाता है। और मुझे BCCI की तरफ से, यानी कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ का मैंने एक 10 सेकंड का क्लिप अपलोड किया था, जिसमें जो शुभन गिल है जिसने 200 रन्स किए थे, उसका मैंने एक जो क्लिप उठाया था, यानी कि उसमें वो बैटिंग कर रहे हैं, 10 सेकंड, 9 सेकंड का था। हालांकि मैंने हर चीज़ तब्दील की लेकिन मुझे स्ट्राइक आ गई। तो इससे ये चीज़ वाज़े होती है कि आपने शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी आपने कोई चीज़ नहीं उठानी। अगर आपने उठानी है तो अपनी वीडियो से बनाए। आपने क्रिकेट की वीडियो बनानी है, शॉर्ट बनानी है, तो आपकी वॉइस ओवर अपनी होनी चाहिए, या एक दो पिक्चर्स आप उठाएं जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो, जो फ्री पिक्चर्स हों, किसी का क्लेम ना हो उस पिक्चर्स के ऊपर, तो वो पिक्चर्स उठा के आप अपनी वॉइस ओवर उसमें लाजमी डालें और 10 सेकंड 15 सेकंड की बनाई से ज़्यादा मत बनाएं। और दूसरा, इसी तरह वीडियोस के अंदर भी अपने स्पोर्ट्स की बना सकते हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि आपने ये काम नहीं करना, काम करेंगे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।